हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू। बोले तो नीतू भोपाली, नीतू काली जी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। नेकर नेकर वो रखा, घड़ी करावा, एक वो सामने रखा है, एक सेकंड रुक तो जाओ। दे दो, पहले दे दो प्लीज, आप रुक जाइए ना, प्लीज दे दो प्लीज। गाइज, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तुमसे बहुत रूडली बात करती हूँ, तो इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार से बोल रही हूँ। सामने रखा है, देखो आंखों से देखो। हाँ, ये वाला सुनो, तो इधर तो आओ सुनो। ये लोगों को बहुत ज्यादा गलत फहमी है कि मैं अपने पति से बहुत रूडली बात करती हूँ। बहुत दुख रही है। सुन तो लो एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो। मैं तुमसे रूडली बात करती हूँ, बहुत ज्यादा। इधर सुनो, तू सुनो, इधर आओ। मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं करती। नहीं, देखना मेरी तरफ, अच्छे से बात नहीं करती मैं। अभी क्या कर रहा हूँ? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम दोनों पति पत्नी से पहले दोस्त हैं। सो हम लोग इसी तरीके से बात करते हैं। वो तो चलो मेरा पति है, ये तो मेरे देवर जी है ना, मैं इनसे भी कितना रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ। काम गई हूँ बहन को निकाली मैं, देवर जी कहाँ से आ गए? अब तो मेरे देवर जी हूँ मैं, आप लोगों को कितनी रिस्पेक्ट देती हूँ। आप दिल पे हाथ रख के बोलो, आप लोगों को मैं रिस्पेक्ट नहीं देती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देती। आज तक जब से ज्यादा जिनने बेइज्जती करी है वो आपको। अच्छा ठीक है ना, गाली किसी से नहीं। आप मजाक कर रहे हो, मुझे मालूम है, पब्लिक के सामने मजाक नहीं, सच सच। तो आपको बुरा लगता है मैं आपको गाली बकती हूँ? तो वो डायलॉग भी बता, बुरा लगे तो क्या बोलती हूँ? तो चलो, अरे टॉपिक चेंज कर दिया, कहाँ की बात कहाँ पर। आपको पता है पापा जी ने मेरी कितनी तारीफ करी है? ना मैंने सुनी है ना मैंने देखा है। वो तो आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि आपको मेरे लिए मेरे से बहुत ज्यादा जलन है, आपको पता है। जल जल के बहुत काली हो गई घर पर। सो गाइस, आप लोगों को मैं बहुत खुशी के साथ एक चीज बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब मैं शादी हुई थी, पापा जी पसंद नहीं करते थे ना मुझे। नहीं करते थे, झूठ मत बोलो, नहीं करते थे। तो शादी हुई है। नहीं करते थे तो मम्मी की जिद से शादी हुई है, दोनों की जिद। मम्मी की जिद से हुई है, पापा ने तो सीधे सीधे मना कर दिया था कि मुझे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, काली है, छोटी सी है, हमारा लड़का तो बहुत खूबसूरत है, कोहिनूर है, हीरा है, ऐसा है बिल्कुल, तो बाप रे बाप, सुंदर लड़की लाएंगे, सुंदर बहू लाएंगे, लंबी बहू लाएंगे, गोरी बहू लाएंगे। पापा जी की ऐसी पहले ऐसी बात, अभी तो नहीं, अभी की नहीं बोल रही, पहले की बात कर रही हूँ। तो आपको पता है कि पापा जी ने मेरी कितनी तारीफ की, पता है? पहले तो किसी को पसंद नहीं थे पापा का कोई भी। सभी लोग नापसंद करते थे। तो ये और इनकी दोस्ती तो एक नंबर थी। वो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसका भी एक मैं व्लॉग आपके सामने लेके आने वाली हूँ। 14 साल के बाद खत्म हुई है वो। 14 साल बाद खत्म हुआ हम दोनों का विवाद। वो बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगी इस व्लॉग को, और उनको भी लेके आऊँगी व्लॉग में। पहले वो मान जाए, वो मान नहीं रहे आने के लिए, क्योंकि उनको भी लेना पड़ेगा व्लॉग में। घंटे में लूँगी, जब भी तो फंटे में आएंगे वो। सो अभी जितने भी व्लॉग डाले, सबसे मेन व्लॉग वही रहेगा। 14 साल की लड़ाई हुई खत्म। शादी का पहला दिन, पहले दिन से शुरुआत हुई थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो तो वो, अरे वो तो मतलब वन में, वो तो मतलब झोंकी बात है, वहाँ की बात कर लेना पहले। ये देवर जी अभी थोम, 2 मिनट पहले देवर जी मैं की रिस्पेक्ट नहीं करते चेंज कर दिया बिल्कुल। तो आपको पता है भाई साहब, भैया जी, आपको पता है भैया जी, भैया जी वाली तो रोटी बना रही है अभी। आपको पता है भैया जी, पापा पापा ने मेरी कितनी तारीफ करी है, आप सुनना चाहते हो? सुना। तो भैया जी आपको देखना पड़ेगा पूरा व्लॉग आगे, क्योंकि सिर्फ एक क्लिप में इतनी देर डालूंगी। और आपको पता है मैं क्लिप शूट क्यों कर रही हूँ? उसमें टाइम कम पड़ रहा था, पता ही टाइम कम पड़े, तो गाइस। और बेटा खुश रहो मेरे बच्चे, हैप्पी दिवाली। कहाँ थे इतने दिन से, कहाँ पकड़ रहे थे? अच्छा मैं तो यही थी। सो गाइज, ये हमारे सौरभ भाई, जिनको हम दिल से बहुत आशीर्वाद देते हैं। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है, बहुत समझदार बच्चा है। भाई कितने हुए, 4-5 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट। तो चलो इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते। पापा जी ने क्या तारीफ करी वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगी। आपको पता है पापा ने मेरी बहुत तारीफ करी, आपको सुनना है तो आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, ठीक है? तो आगे कंटिन्यू करते, पापा जी ने क्या बोला। पापा जी, मैंने तो कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया काम के चक्कर में। हाँ। तो कैसी रही अपनी दिवाली इस बार? बहुत बढ़िया रही इस बार। हाँ? कैसा लगा आपको? पहली बार, बहुत बढ़िया, पहली बार इतनी, अभी वही बतला रहे थे उनको भी बतलाया, पिंकी का नहीं भी लगाया फोन, मोना से भी यही बात हो रही थी। हाँ। इस
बार की बहुत अच्छी बनी थी, अच्छी बनी ना, अच्छा रखे है ना, खूब फूलो फलो खुश रहो। अच्छा पापा जी एक बात बताओ, मेरे जब आपने मुझे पहली बार देखा था तो मैं आपको अच्छी नहीं लगी थी, और अब नहीं वो तो हाँ वो तो मुझे मालूम था, नहीं पढ़ा था। अच्छा देखो कोई भी माँ बाप होता हम भी जानते बच्चे की जोड़ के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन आज ये है कि हम बाहर भी रहते हैं तो बताते हैं कि नहीं। हाँ इससे तो बोला था कि मम्मी ने भी बोला था, मम्मी ने थोड़ा सा वो हो रहा था कि जोड़ नहीं, बाकी ने भी बोला था, सभी ने बोला फिर भी, लेकिन बात मैंने कहा था एक कर लो मेरी मर्जी से, बाकी तीन के अपनी मर्जी से। बहुत खुश रहा बेटा, सदा सुखी रहो, खूब बस आप खुश हो ना। हाँ खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। मैंने क्या बोला था जैसे मेरी तरफ से कभी तुमको किसी ने उंगली नहीं उठाई, वैसे उसकी तरफ से भी शिकायत नहीं मिलेगी। मम्मी ने बोला था, किरण बुआ ने बोला था, है ना। हाँ लेकिन शुरुआत मम्मी से हुई थी, मैं नहीं वो था, थोड़ा सा पापा जी को ऐसा था, मेरी हाइट मेन मेरी हाइट के पीछे हुआ था, छोटी सी हाइट के चक्कर में था। बस और तो अच्छा अभी पापा जी इतने साल बाद हाँ मैं आपका लिया परिवार घर मेरा अब बड़ी है, घर की भी तेरे ही ऊपर है सब, ये कांधों पे सब। तो मैं आपका बहू से बेटा बनी की नहीं, बेटा बन गई, कितने फुट का बेटा हूँ मैं आपका, तीन फुट है। बस अब आप ऐसे ही खुश रहो, आप जल्दी से, मैं अभी पापा जी बहुत ज्यादा कमजोर है, तबीयत ठीक नहीं है, बीमारी में झटक गया। अब तो ये बागडोर तुम्हें परिवार को तुम्हें लेना है, तुम्हें संभालना, तुम्हारे कंधों पे लेके जा रहा हूं। आप देके कहां जा रहा हूं, अभी तो साथ है अपन सब है। नहीं ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो, खुश रहो बेटा, मैं बहुत खुश हूं। नहीं वो सब ठीक है, मैं सब सब सही होगा, अपना साथ सब, आप साथ में हो अपन सब सही करेंगे, जीवन भर साथ रहूंगा, आशीर्वाद मेरा। मम्मी को भी सुबह खूब रुलाया आपने यही बातें कर करके, हैं फिर बस खाना कैसे बना, बस नमक तेज हो गया आज की भाजी में थोड़ा सा नमक, नहीं सही बोलो ना पापा जी, देखो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, सही में नमक तेज हो गया है ना, मुझे लग ही रही है। अच्छा ये सब कह रहा है मुझे नहीं लग रही है, नहीं यार मुझे क्यों लग रही है ऐसा, उससे खाते भी नहीं बन दिया था। तो बस मम्मी अभी मैं इनको खाना दे के आ जाऊँ, फिर अपन बैठते पूजे बनाने के लिए, है ना। 12 बज गई क्या, अभी तो आधा घंटा है ना, तो खाना वाना खा लेते फिर 12 बजे जाना ना, लेके चलो साथ, तुम्हारे ऊपर है बड़े हो घर के बड़े बहू बेटे हो सब। तो मैंने आपका दिल जीता कि नहीं जीता ये बताओ, है मम्मी का तो चलो जीता जीता है, तो आपका जीता कि नहीं जीता, है जीत लिया ना भैया, खाना खाओ है। अरे इसको देखो बम पटाखों से ही फुर्सत नहीं है, कहाँ गया ये रहा, इसका बैग देखो ये बड़ा झोला लेके आया है घर के, मत कर बेटा आराम से बेटा, अभी लोग जलाएंगे ना आधे से कम कर दिया, सुन ओए 12 शॉट स्काई शॉट मेरे हैं वो सारे, चलाएंगे इसका 12 शॉट तो आगे ये ले गया था अभी एक पैकेट 12 शॉट और स्काई शॉट अपन कलवल में जलाएंगे साथ में सब जले, अरे दो स्काई शॉट यहाँ पे रख के जलाएंगे, 1000 बम की लाली दो हैं, हाँ तो वो रखी रहने दो अभी सब, अभी क्या सब आज के दिन आज कर ले होगे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ 12 बज रही है, और हमारा जो दिवाली के पहले सोफा आने वाला था वो रात को 12 बजे आया है, दिवाली के दिन पूजन वूजन हो गई, वीडियोस बन गई, फोटो क्लिक हो गए, उसके बाद रात को 12 बजे सोफा आया है। आएंगे कैसे अंदर, अटक गए हो तो आएंगे कैसे अंदर, अटक गए यार, मतलब क्या है यार, अब यार ये बदलाव आज का त्योहार तुमने निकलवा दिया यार, है हमें चाहिए थे, तुमने बात करी थी सोमवार की, आज हो गया गुरुवार, इधर जाएगा इसे खाने।
रगड़ना मत उसको, हाँ उठा के पर रखना। आरपीडी हटा के पेने पे बिछा दो, क्या जाएगा ना? हाँ 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 हाँ, तो इनको बोल के अभी एक बार कारपेट भी करवा लेंगे ना।